हम लोग जो है सेकंड चैप्टर का न्यूमेरिकल पढ़ेंगे आज से। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट न्यूमेरिकल जो आज हम लिए हैं वो कौन है? पहला है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच विल टुगेदर वे 1 ग्राम। दूसरा है, कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहला हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या कहता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, जो 1 ग्राम होता है, मतलब आपके पास 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन आपको दिया गया है जिसका मास 1 ग्राम है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन आपने जमा किया और उस इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो 1 ग्राम है, तो वो तो एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है। तो कितना इलेक्ट्रॉन है जो 1 ग्राम उसका वेट हो जाता है? एक इलेक्ट्रॉन तो 1 ग्राम नहीं होगा, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है। तो अगर 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन आपके पास दिया गया है, तो इसका मतलब है कि उस 1 ग्राम में कितना इलेक्ट्रॉन है ये पता करना है। तो इसके लिए हमको क्या पता करना होगा कि एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, ये अगर हमको पता है तो हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमको याद करना है क्या है मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये है 9.11 × 10⁻³¹ kg। ठीक है, ये है एक इलेक्ट्रॉन का मास, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरा चीज क्या है कि हमको दिया हुआ है कितना, 1 ग्राम, है ना? हमारे पास कितना दिया हुआ है, 1 ग्राम, और टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 ग्राम है। ठीक है, तो ये केजी में है तो ये भी केजी में रहेगा, तभी तो बनेगा ना। ये ग्राम में और ये केजी में है तो डिफिकल्ट है, दोनों को सेम यूनिट में करना पड़ेगा। 1 ग्राम को हम लोग बनाएंगे 1000 केजी, हो गया, यानी हो गया ये 10⁻³¹। अब दोनों हो गया केजी, तो अब हम आराम से बना सकते हैं, यूनिटरी मेथड से भी बना सकते हैं। ठीक है, 9.11 × 10⁻³¹ kg इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का मास है ना, देयरफॉर 1 kg होगा तो कितना हो जाएगा, 1/9.11 × 10⁻³¹ इलेक्ट्रॉन। अब हमारे यही तो है, 1 kg है, हमको निकालना कितना है, 10⁻³¹ kg, हमको निकालना है 10⁻³¹ kg इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। 1.9.11 × 10⁻³¹ × 10⁻³¹ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट कर देंगे, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी का तो निकालना था ना, तो कैलकुलेट करेंगे तो आएगा ये 1.098 × 10⁻²⁷ इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या हो गया कि 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास दिया गया है, अगर 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन आपको दिया गया है तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1.098 × 10⁻²⁷ इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास रहेगा। ठीक है, 10⁻², नहीं, ये जब −31 है ये ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा तो 27 हो जाएगा, माइनस नहीं, 10⁻³¹ है ये जब ऊपर जाएगा तो 30+31 हो जाएगा, 31 में 3 माइनस करेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा 10⁻²।
और 1 को 9.11 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन ये हो गया, ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन का मास अगर पता है तो हम मालूम है कि इतना मास में एक इलेक्ट्रॉन है, तो बाकी जितना मास है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। या अगर शॉर्टकट में बनाना है तो आराम से जो है टोटल मास को डिवाइड कर देंगे मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन से तो निकल जाएगा। तो शॉर्टकट में अगर बनाना है तो हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू टोटल मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। टोटल मास कितना है 10^-3 और मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना है 9.11 × 10^-31, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लेंगे, उस कैलकुलेट करेंगे उतना ही आएगा 1.098 × 10^27 इलेक्ट्रॉन। तो ये शॉर्टकट में बन गया, ठीक है। तो जैसे आपको पसंद हो बना लेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वन मोल पर कितना चार्ज होगा, तो पहले हम लिखते हैं वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वन मोल का मतलब क्या होता है 6.022 × 10^23 इलेक्ट्रॉन। इतना इलेक्ट्रॉन को हम लोग वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, यानी इतने इलेक्ट्रॉन का कितना मास है ये हमको निकालना है। क्या कह रहे हैं, मास एंड चार्ज ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना मास है और कितना चार्ज है ये निकालना है। अब हमको पता करना है मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.11 × 10^-31 kg, एक इलेक्ट्रॉन का मास है, ठीक है, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर मास ऑफ 6.022 × 10^23 इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 9.11 × 10^-31 − 31 × 6.022 × 10^23 kg, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है तो इतना इलेक्ट्रॉन का मास इतना होगा, ठीक है। तो यही हमारा होगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये कितना आएगा, अच्छा 54.4 समथिंग आएगा, 5.486 × 10^-7 kg, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, मास ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन का मास इतना होगा, वन मोल इलेक्ट्रॉन मतलब इतना इलेक्ट्रॉन हुआ। एक मोल का मीनिंग यही होता है 6.022 × 10^23, जो ये नंबर है इसी को वन मोल बोलते हैं। तो वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला मतलब इतना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का मास मालूम है इतना होता है, तो इतने इलेक्ट्रॉन का कितना मास होगा निकल गया, ठीक है। उसका दूसरा क्वेश्चन, कैलकुलेट द चार्ज ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इतने इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है। तो पहले पता करना होगा ना चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, ठीक है। वो पहले लिख देंगे तभी तो बनेगा 1.6
0 dot 2 into 10 to the power minus 19 minus 19 कूलम, इतना चार्ज, ठीक है, 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है, तो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना कूलम चार्ज है, तो इतना इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, देयरफॉर चार्ज ऑन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन, 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, कितना चार्ज हो जाएगा टोटल, ठीक है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, तो ये कितना आएगा, नेक्स्ट सेक्शन में 9.6 आएगा, 9.65 इंटू 10 टू द पावर 4 कूलाम, है ना, कूलाम को शॉर्ट में कैपिटल सी से लिख सकते हैं, ठीक है, ये हमारा आंसर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये पहला क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, यूनिटरी मेथड मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, तो अभी देख लीजिए क्या कह रहा है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ मीथेन, वन मोल ऑफ मीथेन में कह रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ये कैलकुलेट करके बताइए, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, ये इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है, ठीक है, अब याद रखना है कि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ठीक है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ठीक है, जेड, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो जितना एटॉमिक नंबर रहता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होगा और हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, ये हुआ हमारा फॉर्मूला, अब लिखते हैं इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ CH4, ठीक है, CH4 का एक मॉलिक्यूल लेंगे, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है वो आपको पहले लिख लेना है, तो कार्बन यहाँ पर एक ही है ना, कार्बन तो यहाँ एक ही है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, उसके बाद हाइड्रोजन 4 है, एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, तो चार में क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 × 4 यानी 10 इलेक्ट्रॉन, यानी वन मॉलिक्यूल जो मीथेन का है, मीथेन का जो वन मॉलिक्यूल है उसमें कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसको याद रखना है, ठीक है, जेड मतलब एटॉमिक नंबर, इसलिए जेड दे दिए, ये एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है कार्बन का और हाइड्रोजन का, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, जितना एटॉमिक नंबर रहता है उतना ही प्रोटॉन होता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, तो जाहिर है, अब कह रहा है कि कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वन मोल, ठीक है, वन मोल में बोल रहा है कैलकुलेट करने के लिए, तो ये हो गया वन मॉलिक्यूल में, अब इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख देते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ CH4,
तो एक में इतना है, तो इतना में कितना होगा, 6.022 × 10⁻³⁰ इतना इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, यही तो वन मोल है ना। देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मोल ऑफ मीथेन, यही ना है, इसी को वन मोल बोलेंगे ना, इसी को तो वन मोल बोलते हैं। ठीक है, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो हो जाएगा 6.022 × 10⁴ इलेक्ट्रॉन, यही आंसर होगा आपका। तो वन मोल इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, वन मोल ऑफ मीथेन में कितना इलेक्ट्रॉन है, इतना इलेक्ट्रॉन है, वन मोल ऑफ मीथेन में कितना इलेक्ट्रॉन है, इतना इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यूनिटरी मेथड से बताया, समझ में आ जाना चाहिए, इसी को वन मोल बोलते हैं, इसलिए एक लाइन ये लिखे, फिर उसके बाद लिखे, हैवी लिखकर कोई बात नहीं था, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख करके आंसर हो जाता है, क्योंकि समझ जाना है किसी को तो वन मोल बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है 2.2 का है, इसमें कह रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर एंड द टोटल मास ऑफ द न्यूट्रॉन, मतलब न्यूट्रॉन का नंबर निकालना है, कितना न्यूट्रॉन है और कितना मास है, टोटल मास है उस न्यूट्रॉन का इन 7 मिलीग्राम ऑफ 14C। 14C मतलब कार्बन 14 हुआ, है ना। कार्बन तीन तरह का होता है, तीन आइसोटोप्स होता है कार्बन का, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। तो हम लोग केवल कार्बन 14 का बात हो रहा है, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, कार्बन 14। ये जो कार्बन 14 का मतलब क्या हो गया, इसका मीनिंग क्या हो गया, वन मोल ऑफ कार्बन 14 इक्वल टू 14 ग्राम। ठीक है, इक्वल टू कितना होता है, 14 ग्राम। तो वन मोल के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 6.022 × 10⁻³ कार्बन 14 इक्वल टू 14 ग्राम हम लिख सकते हैं ना। वन मोल कार्बन 14 14 ग्राम के बराबर होता है ना। वन मोल का ही मास को हम लोग एटॉमिक मास बोलते हैं ना, तो इसका एटॉमिक मास 14 है। एटॉमिक मास किसको बोलते हैं, वन मोल के मास को एटॉमिक मास बोलते हैं। तो वन मोल का जो एटॉमिक मास 14 ग्राम होता है, तो वन मोल का मास हो गया 14 ग्राम। और वन मोल में कितना एटम होता है, इतना कार्बन एटम होता है, तो वो 14 ग्राम के बराबर हो गया। ठीक है, अब वन मोल ऑफ कार्बन 14 अगर और अच्छे से लिखना है, तो ये एटम हुआ इक्वल टू 14 ग्राम मास हो गया। ठीक है, यहाँ भी लिख देते हैं, एटम इक्वल टू 14 ग्राम, वन मोल के बदले हम इतना लिख सकते हैं ना। तो इतना एटम का मास इतना है, ये पता हो गया हमको। ठीक है, तो इसमें पता चल गया कितना होता है। अब हमको ये मिल गया, अब यहाँ देखते हैं दूसरा चीज़ क्या है, 7 मिलीग्राम है, तो इसको भी हम मिलीग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि हम मिलीग्राम में आए तो हम इसको मिलीग्राम में ही कन्वर्ट करेंगे। पहले तो पता कर लेते हैं, हमको मालूम है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वन कार्बन 12 एटम। ठीक है, एक ठो में या वन ऐसे लिखते हैं। ठीक है, वन कार्बन एटम में कितना न्यूट्रॉन होता है, कार्बन 14 है ना, तो इसका एटॉमिक मास हो गया मास नंबर 14 हो गया, और एटॉमिक नंबर तो कार्बन का कितना होता है, 6 होता है ना एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, ए माइनस जेड, है ना, तो हो जाएगा 14 − 6 = 8। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया एक कार्बन एटम में, 8 हो गया ना यहाँ पर, क्योंकि एटॉमिक मास 14 है और नंबर ऑफ यहाँ पर क्या है, मास नंबर ये 14 है और एटॉमिक नंबर हो गया 6। ठीक है, एटॉमिक नंबर 6 हो गया,
एटॉमिक नंबर का मतलब क्या हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन से हम मास में माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलेगा कि नहीं, इसलिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल गया हमारे पास 8। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया, 14 माइनस 6 इक्वल टू 8 न्यूट्रॉन। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से हमको एक एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल गया, एक एटम में हमारे पास 1 मोल लेंगे कितना होगा, देयरफॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 6.022 इंटू 10 to the power 23 कार्बन 12 एटम कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 23 न्यूट्रॉन। इतना न्यूट्रॉन होगा, यानी इतना न्यूट्रॉन, इतने न्यूट्रॉन का मास निकालना होगा। ठीक है, इतना न्यूट्रॉन तो मिल गया हमको ना, और इतना न्यूट्रॉन का मास कितना है ये नहीं भी निकालें तो कोई बात नहीं है। ठीक है, इसका जरूरत नहीं है क्योंकि हमको यहाँ पर क्या निकालना है, टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ द न्यूट्रॉन। अब तो पहले टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है। तो हमारे पास इतना न्यूट्रॉन आ गया एक मोल में। ये जो 7 मिलीग्राम है वो 14 मिलीग्राम है, 7 मिलीग्राम दिया हुआ है, तो इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स में, तभी होगा, या उल्टा कर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो होगा ना, टोटल 8 है। अब हम चुनको मिलीग्राम में कैलकुलेट करना है तो इसको भी हम मिलीग्राम में कैलकुलेट कर देते हैं। 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम होता है, 1000 मिलीग्राम होता है, ये हो जाएगा 14 into 1000 मिलीग्राम। ठीक है, ये जो 14 ग्राम है कितना हो जाएगा, 14 into 1000 मिलीग्राम हो जाएगा। ठीक है, और इसका ये किसका मास है, इतना का मास है, इसके बदले हम लिख सकते हैं ये। ठीक है, देखिए इतना कार्बन एटम के बराबर कितना न्यूट्रॉन है ना, इतना कार्बन एटम में इतना न्यूट्रॉन है और इतना ही कार्बन एटम का मास ये है, तो ये और ये इक्वल हुआ कि नहीं। ठीक है, 6.022 into 10 power 23 कार्बन एटम का मास हो गया 8 इंटू दिस मच, ये इसमें इतना न्यूट्रॉन हो गया और इतना ही कार्बन एटम का मास ये है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हुआ कि नहीं, यानी इतना न्यूट्रॉन होगा तभी इतना जो है एटॉमिक मास होगा। ठीक है, क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर 6.022 into 10 to the power 23 ये क्या चीज़, इतना कार्बन एटम का मास इतना है, इतना ही कार्बन एटम में इतना न्यूट्रॉन है, मतलब इतना मास इतना न्यूट्रॉन कंटेन करता है। ठीक है, सो देयरफॉर नाउ अगर नहीं हो तो ऐसे लिख लेंगे, इसको इक्वेशन 1 बना देते हैं और इसको इक्वेशन 2 बना देते हैं। ठीक है, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ठीक है वी गेट क्या मिल रहा है हमको, 14 into 1000 मिलीग्राम कार्बन 14 एटम कंटेंस 8 into 6.022 into 10 to the power 23 न्यूट्रॉन। ठीक है, क्वेश्चन 1 में इतना कार्बन एटम के बराबर इतना मिलीग्राम मास है और इतना कार्बन एटम का मतलब इतना न्यूट्रॉन है, मतलब इतना में ही इतना न्यूट्रॉन है,
ये बताया, ठीक है। Therefore, कितना दिया हुआ है 7 मिलीग्राम, पहले 1 मिलीग्राम का निकालेंगे, 8 × 6.022 × 10⁻²³ अपॉन 14 × 1000 मिलीग्राम, कितना न्यूट्रॉन होगा, कितना न्यूट्रॉन। फिर उसके नीचे लिखेंगे हम लोग कितना है हमारे पास, 7 मिलीग्राम कार्बन 14 है क्या, 7 मिलीग्राम, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, ठीक है। हमको यहाँ पर लिखने की जगह नहीं है तो हम इसी में बना देते हैं, ठीक है। लिखने की जगह नहीं है तो हम इसको पहले मिटा देते हैं और उसके बाद हम इसी में बना देंगे। इसको मिटा दिए तो हमको ज़्यादा जगह नहीं हुआ, 7 × 7, ठीक है। तो 7 मिलीग्राम से मल्टीप्लाई हो गया 1 में। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आएगा 2.2408 × 10⁻², यानी इतना न्यूट्रॉन है। पार्ट ए आपका सॉल्व हो गया, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल गया, यानी 7 मिलीग्राम कार्बन 14 में इतना न्यूट्रॉन है, 7 मिलीग्राम कार्बन 14 में इतना न्यूट्रॉन है, क्लियर। तो अब देखिए कि कह रहा है टोटल मास ऑफ द न्यूट्रॉन निकालिए, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास आ गया, तो सेकंड क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। अगर एक न्यूट्रॉन का मास पता हो तो इतने न्यूट्रॉन का मास क्यों नहीं पता करेंगे, तो कितना न्यूट्रॉन किसमें है, 7 मिलीग्राम ऑफ 14 कार्बन है ना, इसलिए हम इसको ऊपर वाला पार्ट को हटा देते हैं। अब हमको याद करना होगा मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, ठीक है। जनरली क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है, दिया रहेगा तो याद रखना है, 1.675 × 10⁻²-27, ठीक है। एक न्यूट्रॉन का मास इतना होता है, एक न्यूट्रॉन का मास इतना होता है, देयरफॉर मास ऑफ दिस मच 2.4088 × 10⁻²-21 न्यूट्रॉन का मास कितना होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.675 × 10⁻², −27 × 2.4088 × 10⁻²-21 kg। इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 4.0347 × 10⁻²-6, इतना मास हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं ना, 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14, ठीक है, 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14 का मास इतना हो जाएगा, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन इन 7 ग्राम, मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, तो मास ऑफ इतना न्यूट्रॉन हो गया, इसलिए मास ऑफ न्यूट्रॉन
इन 7 मिलीग्राम, इन 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14, इतना हो गया। ठीक है, यही चीज ना, ये कितना है, ये न्यूट्रॉन कितना माया, इतना महीना है, इसलिए हम ये स्टेटमेंट लिख दिए। ठीक है, ठीक है, ये भी पिछले ही क्वेश्चन का जैसा है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग बना सकते हैं, फाइंड द टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ प्रोटॉन 34 मिलीग्राम ऑफ अमोनिया। ठीक है, इसको हम लोग पहले बना लेते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन मोल, और क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन मॉलिक्यूल। ठीक है, पहले हम लोग वन मॉलिक्यूल का निकाल लेंगे, तो पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो जानते हैं नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, 7, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, 1। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है तो उसका 7 हो जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो उसमें भी प्रोटॉन 1 होगा, तो नाइट्रोजन का यहाँ 7 हो गया। ठीक है, और हाइड्रोजन का क्या है, 1 है, तो 1 × 3, तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 प्रोटॉन, 10 प्रोटॉन हो गए। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 6.022 × 10²³ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, तो हो जाएगा 10 × 6.022 × 10²³, तो हो जाएगा ये 6.022 × 10²² प्रोटॉन हो जाएगा। इतना प्रोटॉन हो गया, इतना, और इसका मास कितना होता है, इतने मॉलिक्यूल का अमोनिया का मास को ही हम मोलार मास बोलते हैं, तो दोनों इक्वल होगा कि नहीं। नाउ मास ऑफ 6.022 × 10²³ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया कितना होगा, इसको हम ये लिखें या इसके बदले हम लिख सकते हैं 1 मोल। ठीक है, या तो इतना लिखें या 1 मोल लिखें, बात एक ही है, या तो हम ये लिखें या 1 मोल लिखें। इतना मॉलिक्यूल अमोनिया का मास कितना होगा, जो मोलार मास होगा, तो नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 × 3 = 17 ग्राम, 17 ग्राम अमोनिया हो गया। यानी इतना मॉलिक्यूल का मास जो है 17 ग्राम है, और इतना ही मॉलिक्यूल में इतना प्रोटॉन है, यानी इतना ग्राम अमोनिया में इतना प्रोटॉन है। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है, अब दोनों से हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। ठीक है, क्या मिला, 17 ग्राम। ठीक है, 17 ग्राम है तो उसको हम मिलीग्राम बना देंगे, तो और आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, या हम क्या करेंगे कि जो मिलीग्राम है उसी को हम ग्राम में कन्वर्ट कर दें, दोनों में से कोई एक ही चीज कर देते हैं, तो 17 ग्राम NH3 contains 6.022 × 10²² प्रोटॉन्स। ठीक है, 1 और 2 से हम लोग देख लेते हैं कि ये दोनों इक्वल है। ठीक है, देयरफॉर 1 ग्राम अमोनिया कंटेंट 6.022 × 10²²
24 अपॉन 17 प्रोटॉन, ठीक है। तो हमारे पास अमोनिया कितना दिया गया, 34 मिलीग्राम। इसको हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं, 34 मिलीग्राम है तो उसको अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, उसको भाग देना पड़ेगा 1000 से, ठीक है। तो हो जाएगा 34 अपॉन 1000 ग्राम, या इसको और आगे कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.034 ग्राम -3 कंटेंस, इसमें मल्टीप्लाई आ जाएगा 0.022 × 10^24 अपॉन 17 × 0.034, इतना प्रोटॉन होगा, ठीक है। इसको पूरे को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1.2044 इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1.2044 into 10 to the power 22 प्रोटॉन, ठीक है। ये हुआ आपका आंसर ना, ये जो है इसको सॉल्व किया हम लोग, पार्ट ए को सॉल्व कर दिया, ठीक है। पार्ट ए जो है सॉल्व हो गया, कितना प्रोटॉन पता चल गया। अब कह रहा है टोटल मास ऑफ द प्रोटॉन, तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन पता चल गया तो टोटल मास निकल ही जाएगा, एक प्रोटॉन का मास जितना होगा उससे हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है। हम लोग पार्ट भी बनाएंगे, तो पहले लिखते हैं मास ऑफ वन प्रोटॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन का जितना मास है उतना ही प्रोटॉन का भी मास होता है, तो वही लिखेंगे हम लोग। मास ऑफ वन प्रोटॉन कितना होता है, 1.673 × 10^-27 kg एक प्रोटॉन। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना आया है, और मास ऑफ 1.2044 × 10^22 प्रोटॉन, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.2044 × 10^22 × 1.673 × 10^-27 kg इतना मास हो जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, इसके बदले हम क्या लिख सकते, ठीक है, मास ऑफ 34 मिलीग्राम ऑफ NH3 इक्वल टू, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 2.015 × 10^-5 kg, ये हो गया आंसर आपका, है ना। इतना ही ना प्रोटॉन है इसमें, इतना ही प्रोटॉन ना इसमें है, इसलिए इसके बदले हम ये लिख सकते हैं, यही हमको निकालना था, ठीक है। उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन है, विल द आंसर चेंज इफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर चेंज्ड, ठीक है। टेम्परेचर और प्रेशर का कोई इफेक्ट इस पर नहीं होता है, ठीक है। नंबर के ऊपर, मास के ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। इसी में एक क्वेश्चन है, एडिशनल क्वेश्चन है कि विल द आंसर चेंज, विल द आंसर चेंज, ठीक है, इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंजेस, टेम्परेचर एंड प्रेशर आर चेंज्ड,
ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? कोई भी चेंज नहीं होगा, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है मास के ऊपर, नंबर के ऊपर कोई फर्क नहीं। वॉल्यूम रहता तो चेंज हो सकता है, लेकिन नंबर और मास के ऊपर टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं होता है। वॉल्यूम का बात होता तो वॉल्यूम चेंज होता है टेम्परेचर और प्रेशर के साथ, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर तो डिस्कशन है नंबर्स का और मास का, नंबर और मास के ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसलिए अगर टेम्परेचर प्रेशर चेंज भी हो जाएगा तो हमारा जो रिजल्ट आया है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, हैव अ नाइस डे।